हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक कार के फाइव के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस कार की खासियत के बारे में। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी रीगल रैप्टर मोटर्स के ब्रांड इलेक्ट्रिक कार ने दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के फाइव को बेचना शुरू कर दिया है। यह आज तक की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी चीन में कीमत $2100 लगभग ₹1,53,000 है। यह एक छोटी इलेक्ट्रिक कार है, जिसे क्वाड्री साइकिल भी कहा जा सकता है। इतनी कम कीमत में आने वाली कार से हम जबरदस्त पावर और रेंज की उम्मीद करना सही नहीं होगा। फिर भी बता दें कि यह सिंगल चार्ज में 66 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी टॉप स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इलेक्ट्रिक कार के फाइव की मार्केटिंग चीन ई कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा द्वारा की जा रही है। कार को $2100 में बेचा जा रहा है और यदि कोई थोक में इसकी 9 या 9 से अधिक यूनिट खरीदता है तो उसे प्रत्येक इलेक्ट्रिक कार का $1800 यानी लगभग ₹1,31,000 देनी पड़ेगी। यह कीमत भारत में प्रसिद्ध कार टाटा नैनो की कीमत के आसपास है। इलेक्ट्रिक कार K5 EV का वजन 255 किलोग्राम है। यह 2.2 मीटर लंबी और 1.09 मीटर चौड़ी और 1.62 मीटर ऊंची है। इसमें दो व्यक्ति आराम से आ सकते हैं। पावर के लिए कंपनी ने इसमें एक 800 वाट क्षमता की मोटर लगाई है, जिसकी बदौलत यह इलेक्ट्रिक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी 72 वोल्ट की बैटरी 2.7 किलोवाट की क्षमता के साथ आती है। यह बैटरी पैक 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और सिंगल चार्ज में कार को 66 किलोमीटर भगाने में मदद करती है। फिलहाल इस कार के अन्य देशों में लॉन्च को लेकर किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है। इलेक्ट्रिक कार को लेकर सभी देशों में अलग अलग नियम हैं। इस कार के साइज को देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे भारत समेत अन्य देशों में लाइसेंस प्राप्त हो। हालांकि चीन में इस कार को बिना लाइसेंस के भी चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।